सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में असुस कंपनी के असुस जेनफोन 9 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या दोस्तों आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हैं? यदि हां तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यह मोबाइल किस डेट को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और कितने प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर एंड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मोबाइल में दोस्तों यदि हम सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 5.9 इंचेस की आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और इसके डिस्प्ले में आपको 446 का आपको पिक्सल डेंसिटी भी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको गोनी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, और इसके डिस्प्ले में आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसका डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे काम करेगा। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में काफी बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। यहीं पर दोस्तों स्माइल में हम कैमरे की बात कर ले तो इसके रियर कैमरे में आपको डबल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। जो पहला कैमरा होगा वो होगा 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, और जो सेकंड कैमरा होगा वो होगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसके साथ ही इसके रियर में आपको एक LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट कैमरे की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में दोस्तों यदि हम बैटरी की बात कर ले तो दोस्तों इंडिया में 4300 mAh की लॉन बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा, और चार्जर की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 30 वाट का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। मतलब आप इसके चार्जर से लगभग 1 घंटे के अंदर आप अपनी बैटरी को 0 से 100% चार्ज कर सकेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस मोबाइल के अंदर आपको क्या क्या फीचर एंड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो जरा भी बढ़िया लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चिपसेट की बात कर ले तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आपके 8+ गेनवन देखने को मिल जाएगा, और सीपीयू की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 3.2 GHz का आपको सिंगल कोर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर आपको 4 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन और 64 बिट का आर्किटेक्चर भी देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल में दोस्तों यदि रैम और रोम की बात कर ले तो दोस्तों मोबाइल इंडिया में 3 वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा। 8 GB रैम प्लस 128 GB इंटरनल मेमोरी, और 12 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल मेमोरी। और जो दोस्तों दो थर्ड वेरिएंट होगा वो होगा 16 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल मेमोरी। रैम टाइप की बात कर ले तो इसके अंदर आपको LPDDR5 का आपको रैम टाइप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस मोबाइल में हम नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 5G सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही इसके अंदर आपको डुअल नैनो सिम का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यह मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन 12 पर काम करेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर ले तो इसके साइड में आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर आपको 3.5 mm का आपको ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको लाउड स्पीकर भी देखने को मिल जाएंगे। स्टोरेज टाइप की बात कर ले तो इसके अंदर आपको UPS 3.1 का आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मोबाइल किस डेट को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और कितने प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इस मोबाइल के दोस्तों लॉन्चिंग डेट की बात कर ले तो दोस्तों मोबाइल इंडिया में सितंबर के मंथ में लॉन्च किया जाएगा। यहीं पर दोस्तों इस मोबाइल के दिन प्राइस की बात कर ले तो दोस्तों जो 8 GB रैम प्लस 128 GB वाला वेरियंट है, तो दोस्तों यदि आप भी इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो इसकी लॉन्चिंग डेट के बाद आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो बढ़िया लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं किस न्यू मोबाइल लॉन्चिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आपको जय हिंद, वंदे मातरम।